इस वक्त हम मलाव के चंदा घाट राप्ती नदी तट के बगल में हैं, जहाँ पर बाहर से आए हुए लोग सब्जी की खेती किए हुए हैं। और आप इन लोगों के आवास को देख सकते हैं, आवास अस्थाई है, देख सकते हैं जब तक ये लोग रहते हैं तब तक यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद फिर कहीं अपना डेरा स्थापित कर लेते हैं। इस 42 डिग्री तापमान में, इस तपती धूप में खेतों में काम करना कैसा लगता है, इन लोगों से पूछा जाए, इन लोगों के दर्द को समझा जाए। इतना कठिन परिश्रम करके, ये रेगिस्तान में बलुई मिट्टी है, ये बालू है एक तरह से कह सकते हैं, और बालू में खेती करने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। इस तपती धूप में 42 डिग्री से ऊपर तापमान में ये लोग परिश्रम करते हैं। आइए, खेतों में भाई साहब काम कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जितना परिश्रम ये लोग करते हैं उनके बदले में इन लोगों को कुछ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, टमाटर है उधर, नेनुआ की सब्जी है। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? हैदर। हैदर, हैदर जी, आप लोग मूल निवासी कहाँ के हैं? बरेली। बरेली, बरेली से आप लोग आते हैं? हर साल आते हैं कि हर ये साल आते हैं। हर साल यहीं लगाते हैं? तो ये सारा आपका है खेती? हाँ, सारी खेती हमारी है। कौन कौन सी सब्जियां आप लोग बोते हैं यहाँ पे? ननुआ हो गया, करेला हो गया जी, घोड़ा हो गया जी, ननुआ जी जी, और उसका नाम लौकी हो गई जी, कोड़ा हो गया जी जी। इतना धूप में जहाँ 42 से 45 डिग्री तापमान है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतने तपते धूप में आप लोग कैसे काम कर पाते हैं? क्या करते हैं, मजबूर जी, आपको तो वैसे घाटा बहुत पैसा है। घाटा हुआ? हाँ, घाटा हुआ, मंदा रहा, बहुत मंदा रहा सब्जी। इस बार कम बिकी, नुकसान ज्यादा हुआ? निकली भी कम है। अच्छा, निकली भी कम? निकली भी कम। कहाँ आप लोग बेचते हैं ये, जैसे सब्जियां जब तोड़ लेते हैं तो लोकल मार्केट में बेचते हैं या फिर सब्जी मंडी में जाकर बेचते हैं? गोरखपुर मंडी। गोरखपुर मंडी में, तो वहाँ तो आप लोगों का मनचाहा रेट नहीं मिल पाता होगा, वो लोग अपना रेट लगाते होंगे। जैसे आपको बहुत कम रेट मिला जी, बहुत कम रेट, यानी कि जैसे जिस भाव बेचना चाहिए थी उस भाव नहीं बिके, माल भी निकला कम जी, और उस भाव नहीं बिका जी। तो देखा आप लोगों ने, इस तपती धूप में इतने कठिन परिश्रम का मोल न मिल पाना किस कदर चोट पहुंचाता होगा, ये चीज़ या तो यही लोग समझ सकते हैं, या जो लोग इस तरह की चीज़ों या खेती करते होंगे या खेती पे निर्भर होंगे वो लोग समझ सकते हैं। सामने एक आंटी जी भी हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बचा के आइएगा। ये सब्जियां पड़ी हुई हैं, देखिए, जो बिकी नहीं और नुकसान हो गया, ये काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान नज़र आ रहा, सामने भी देख सकते हैं। इधर बगल में भी कुछ सब्जियां रखी हुई हैं, ये करेले पड़े हुए हैं, इधर लौकी और टमाटर पड़े हुए हैं। ये सारा मेहनत इन लोगों का बेकार हुआ, जैसा कि हैदर जी ने भी बताया है कि इस बार न तो वो भाव मिला और ना ही जितनी सब्जियां बिकनी चाहिए उतनी सब्जियां बिकी, बहुत ज़्यादा नुकसान इन लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है। हम लोग भी देख सकते हैं, आप लोग भी देखिए, काफ़ी मात्रा में अगर एक अनुमान लगाया जाए तो कम से कम मान के 2 से 2.5 क्विंटल इधर पड़े हुए हैं, बाकी पीछे पड़े हुए हैं, उधर करेली भी पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से इन लोगों पे काफ़ी गहरा चोट पहुंचा है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से ये लोग परेशान हैं। इन लोगों की सब्जियां नहीं बिकी, जिस भाव पे ये लोग बेचना चाह रहे थे वो भाव से नहीं बिका। ये रेत है, आप लोग देख सकते हैं, बालू है, बलुई मिट्टी है, और बलुई मिट्टी में सब्जी की खेती करना आसान नहीं होता है, वो भी इस तपते धूप में जहाँ पर पानी की आवश्यकता मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम से भी कहा जाए तो उससे ऊपर होती है। आंटी जी खड़ी हैं, बात करते हैं, आप भी सब्जी बोती हैं? आपका खेत कौन सा है इधर? ये बगल में, ये सारा आपका नुकसान हुआ है? कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा? क्या बताऊं बेटा, वैसे पता ही नहीं लग रहा है, जो खराब होता जा रहा, फेंकते जा रहा, फेंकना पड़ रहा है। तो मंडी में जहाँ आप लोग बेचते हैं तो वहाँ ये सब्जियाँ नहीं बिकी? नहीं बिकी, खराब कर देते कि ये फुरानी हो गई, कि ये बैसी हो गई, तो फिर भेजना बंद कर दिया। क्या जी जी जी, बिकता ही नहीं था जी। तो मंडी वालों की कहीं ना कहीं से मनमानी है, जो परिश्रम ये लोग करते हैं, और देखा जाए तो लाभ उन लोगों को अधिक मिलता है क्योंकि वो अपने हिसाब से इनका रेट तय करते हैं। ये लोग 7 से 8 महीने मेहनत करते हैं, उसके बाद सब्जियां निकलनी शुरू होती हैं। मंडी में जब लोग बेचने जाते हैं तो वहाँ मंडी वाले अपना मनमाना रेट लगाते हैं, जिसपे बेचने को ये लोग मजबूर हो जाते हैं। बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो सब्जियाँ फेंकें, सड़ जाएंगी, खराब होंगी, ज़्यादा दिन तक रोक भी नहीं सकते, इसलिए लोग मजबूर होते हैं उस रेट पे उनको बेचने के लिए। काफ़ी सब्जियां इन लोगों की बेचारों की बर्बाद हो गई है, इन लोगों का मेहनत एक तरह से देखा जाए तो सारा बर्बाद हो गया। बता रहे हैं कि खाने तक के पैसे नहीं निकल पाए हैं,
पूजी की तो बात ही छोड़ दें, खाने के लिए ही लाले पड़ गए इन लोगों के आवास, इन लोगों का दिखा दिया छोटी छोटी झोपड़ी डाल करके ये लोग यहाँ इस धूप में दोपहर में दिन रात 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं। इनको सपोर्ट करिए, लोकल मार्केट में सब्जी लेने के बजाय आप यहाँ आइए, मार्केट से सस्ती सब्जियाँ मिलेंगी और ताज़ी सब्जियाँ मिलेंगी। इन लोगों को आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन द वे के साथ।